आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन शहर के बारे में। देखिए, अभी के टाइम जो है हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे, हम देखेंगे इसका टेक्निकल कि टेक्निकली स्टॉक बुलिश है या फिर बेरिश है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी स्टॉक में खबर नहीं आती है तो लोग ट्रेड करते हैं उस स्टॉक में। एक तो व्यू होता है कि जैसे कोई खबर आई वहाँ पर बाई किया, अच्छी खबर आई तो बाई किया, उसके बाद यहाँ पर बढ़ने के बाद सेल कर दिया। बुरी खबर आई तो वहाँ पर शुरुआत में पहले से ही सेल करके निकल गए, ज़्यादा लॉस हुआ नहीं। ऐसे में अगर कोई खबर नहीं आई, सुजलॉन में देखिए अभी किसी प्रकार की कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे तो जो आपको अपडेट अभी के टाइम देखने को मिल रही है वो सुजलॉन से लिंक नहीं है। जैसा कि आपको नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रहा है, बड़ा निवेश कर रहा है, वो लिंक नहीं है सुजलॉन एनर्जी से। अडानी ग्रुप बाई कर सकता है लेकिन वो अभी कर सकता है, किया नहीं है अभी। हालांकि आगे होगा, जरूर होगा, अडानी ग्रुप हो सकता है बाई करे। अगर नहीं भी करता है तो भी दोस्तों सुजलॉन में पोटेंशियल है कि वो अपने स्तर पर भी एक बड़ा यहाँ पर जो है टारगेट हमें दे सकता है। दूसरी बात, कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। लगातार दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस हुआ है, लेकिन ये जो लॉस है ये सभी कंपनियों का आपको होते हुए देखने को मिलता है। सभी कंपनियों का जो ये मटेरियल है वो दोस्तों कच्चा माल है, जो वो दोस्तों इनके दामों में तेज़ी आपको देखने को मिली है, इसलिए अब की बार लॉस हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये है कि कंपनी का रेवेन्यू वो आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अब ऐसे में अगर ये जो मटेरियल है इनकी कॉस्ट अगले तिमाही में कम भी होती है तो अब की बार हो सकता है कंपनी का रेवेन्यू 3,000 करोड़ तक पहुँच जाए, तो ऐसे में कंपनी का प्रॉफिट जो बढ़कर वो 150 करोड़ के आसपास भी पहुँच सकता है। लोन के मामले में कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मुक्त हो चुकी है। हालांकि कंपनी के ऊपर लोन है, कर्ज है, लेकिन वो थोड़ी समय अवधि उसकी बढ़ा दी गई है। अब सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर जो बाइंग हो रही है, तो ये बाइंग हो रही है मतलब इनसाइड ट्रेडिंग आप मान सकते हैं। लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है सुजलॉन में, इसलिए जिस किसी ने भी खरीदा है होल्ड कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस चार्ट, अब वो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सुजलॉन भागेगा कब। सुजलॉन का शेयर हमें देखने को मिला लास्ट ईयर यहाँ पर जो है सर्दियों के टाइम दीपावली के आसपास। इस मंथ में शेयर का प्राइस जो है वो दोस्तों 6 रुपये के आसपास हुआ करता था, और यहाँ पर जो है दिसंबर तक स्टॉक चला गया 12-13 रुपये पर। उसके बाद स्टॉक में वापस गिरावट हुई, मार्केट भी गिरा, एंड मार्केट गिरावट के साथ साथ सुजलॉन भी गिरा। एंड अगेन मार्केट अभी रिकवर होता है, सुजलॉन भी रिकवर अगर होता है तो क्या सुजलॉन भागेगा? क्या सुजलॉन 15 से 20 रुपये जाएगा? और 20 रुपये जाएगा तो कहाँ, किस टाइम जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में नॉर्मली एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मार्केट सुबह के टाइम माइनस में था, वो वापस आपको प्लस में जाते हुए देखने को मिला। 120 पॉइंट मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली। देखिए अब सुजलॉन जो गिर रहा था वो मार्केट में गिरावट की वजह थी, अभी सुजलॉन भाग रहा है तो इसमें मार्केट में तेजी है, इसलिए अब सुजलॉन मार्केट को रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात ये भी है, अब यहाँ पर देख लेते कि प्रीवियस क्लोज दोस्तों 8 रुपये 15 पैसे का था। स्टॉक सुबह के टाइम ओपन हुआ, ओपन एंड लो इसका दोनों इक्वल था, इसलिए स्टॉक ने अपना हाई लगाया। अब यहाँ पर 7 करोड़ 46 लाख की आपको वॉल्यूम देखने को मिली, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम है। उसमें अभी के टाइम जो है बाइंग प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 1 करोड़ 28 लाख क्वांटिटी आपको बाइंग में देखने को मिली, 27 लाख क्वांटिटी आपको दोस्तों सेलिंग में देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ डिलीवरी की, तो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा क्योंकि स्टॉक अभी के टाइम सेबी की नज़रों में, मतलब ये सेम स्टेज में आपको देखने